दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। घर में पैसा नहीं टिकता तो हल्दी के डब्बे में डाल दे इसे, करोड़ों नहीं अरबों के मालिक बनोगे। दोस्तों गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का दिन है और देवगुरु को इस दिन मनाने के लिए तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको हल्दी के प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति जी से है। वैसे तो हल्दी के ढेर सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन कुछ खास प्रयोग ऐसे हैं जिनको अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन की जो धन मान सम्मान और संतान का सुख प्राप्त होता है। हल्दी विशेष प्रकार की एक औषधि है जिसमें दैवीय गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधु को हल्दी चढ़ाने की यही महत्व है कि उन्हें बुरी नज़र से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता में लाभ भी उन्हें मिले। पूजा के समय कलाई में या फिर गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। हल्दी का दान करना ही बहुत शुभ माना जाता है, इसमें कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो ये शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी और व्यापार में सफलता के लिए भी ये प्रयोग कारगर माना जाता है। हल्दी के प्रयोग में जीवन में संपन्नता आती है, ये नकारात्मकता को दूर करती है, इसलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले जल से अर्घ देने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुकून के कारक हैं, जैसे कि वैवाहिक सुख बृहस्पति की कृपा से ही मिलता है, संतान का सुख प्राप्त बृहस्पति ग्रह से ही मिलता है, इनकी कृपा के बगैर हमें कोई भी चीज़ नहीं मिलती। करियर में अगर आपको ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन चाहते हैं, मतलब धन संचय अपार धन संपत्ति, वो भी बृहस्पति ग्रह की कृपा से ही प्राप्त होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही, ज्ञान प्राप्ति में बाधा आ रही, तो भी आपको बृहस्पति देव को शुभ करना चाहिए। और हल्दी का प्रयोग करने से, हल्दी के छोटे से प्रयोग से हम बृहस्पति देव को शुभ कर सकते हैं। और जब बृहस्पति ग्रह शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर सुख सुविधा अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। जैसे किसी भी तरह से अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में है या फिर किसी ने कुछ कर दिया, ऐसा आपको लगता है किसी ने कुछ करवा दिया, तंत्र मंत्र का प्रभाव है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हल्दी के डब्बे में ऐसा क्या एक चीज डाल दें कि जीवन में धन बरसता ही जाए। संतान सुख हो या फिर वैवाहिक सुख हो या फिर विवाह में देरी हो रही हो या फिर आपके करियर में कोई परेशानी, धन संबंधी समस्याएं हैं, हर समस्याओं का समाधान सिर्फ एक चुटकी हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखना और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। पहली बार यदि आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अगर आप किसी गंभीर जैसे कि बीमारी से या फिर पेट से संबंधित कोई भी समस्या है तो ऐसे में चाहिए कि आप पीसी हुई हल्दी का दान करें। पीसी हुई हल्दी का दान करने से आपकी जो बीमारी है धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर एक हल्दी का टीका यानी कि लगा होना चाहिए। माथे पर टीका अगर लगाते हैं हल्दी का, खासकर गुरुवार के दिन, या फिर आप रोज लगा सकते हैं, एक हल्दी का टीका अगर लगाते हैं तो आपके पास जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो दूर हो जाएगी। सकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं आपके पास यानी कि सदैव रहेगी। आपको स्वतः ही धीरे धीरे जो आपकी बीमारी है उससे मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों अगर किसी भी तरह से आपको बृहस्पति ग्रह कमजोर है और बृहस्पति ग्रह कमजोर होते ही तो सभी प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती है, कार्य बिगड़ने लगते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठें लेनी है
और एक पीले कपड़े में आपको इसे धागे के सहारे बांध लेनी चाहिए और अपने बाजू में आप पहन सकते हैं, ये फिर आप गले में पहन सकते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जितने भी बृहस्पति ग्रह से संबंधित परेशानी है वो दूर होगी। बृहस्पति ग्रह मजबूत होंगे क्योंकि पुखराज की तरह ये काम करता है। हल्दी का टोटका, हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है। अगर आप हल्दी को प्रतिदिन बृहस्पति बार के दिन इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में तो पुखराज की तरह ये काम करेगा और ये बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति ग्रह को मजबूत करेगा, जिससे आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या फिर नौकरी हो, सभी जगह आपको प्रमोशन मिलेगा और व्यापार में वृद्धि होगी। बात करें आप अगर किसी तरह से शारीरिक या मानसिक निगेटिव ऊर्जा से परेशान हैं, कई बार दिमाग में मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं या फिर आपको तमाम तरह की जो आसपास की निगेटिव एनर्जी का यदि के वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जल से स्नान करें तो उसमें थोड़ा सा हल्दी जरूर मिला लें। एक चुटकी हल्दी पिसी हुई आप जल वाले यानी कि जिसमें नहा रहे हैं उसमें मिलाकर आप उससे नहाए, धीरे धीरे आपका करियर भी ठीक होगा और बृहस्पति ग्रह भी ठीक हो जाएंगे। बृहस्पति ग्रह का दिन होता है बृहस्पति बार यानी गुरुवार और माता लक्ष्मी का आप बीज मंत्र ओम श्रीम हल्दी से आप आम के पत्ते में लिखकर धन के स्थान पर रख दें यानी तिजोरी में रख दें तो माता लक्ष्मी की सदैव कृपा भरी रहेगी और तिजोरी आपकी सदैव भरी रहेगी धन से। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे पाएं? दोस्तों, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जाएं हैं और ऐसे में आपको चाहिए कि आपका जो घर है आपके घर के मेन गेट पर या फिर अपने जो बाउंड्री वॉल होती है तो वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी अपने बाउंड्री वॉल पर डाल दें या फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक चुटकी हल्दी से रेखा बना दी जाए, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। ऐसा आप जरूर करें। अगर आपको लगता है कि किसी तरह से किसी ने आपके घर में यानी कुछ करा दिया है या फिर आपके घर में जो ऊर्जा का वास है नकारात्मक ऊर्जाओं का वास है, तो अपने बाउंड्री वॉल पर मेन गेट पर प्रतिदिन थोड़ी सी हल्दी छिड़क दें और आप सुबह सुबह यानी कि ये कर सकते हैं, रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर वो खराब हो जाती है तो उड़ जाती है, परंतु नियमित रूप से आप ऐसा करें यानी कि एक दिन करेंगे तो अगले दिन नहीं करेंगे तो उड़ जाएगी, इसलिए आपको प्रत्येक दिन करना है तो इसका चमत्कारिक असर आपको दिखने लगेगा कुछ ही दिनों में। आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है या फिर आप चाहते हैं कि मनपसंद जीवन साथी, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें तो उस जल में थोड़ी सी हल्दी जल में मिला लें, एक चुटकी हल्दी मिलाकर सूर्यदेव को जल दें, इससे आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है वो जल्दी दूर हो जाएगी। और जब आप अर्घ देते हैं उसके बाद लोटे में या फिर पात्र में थोड़ी सी हल्दी लगी होती है उसे निकाल कर आप चाहे तो अपने माथे पर लगा लें। ऐसा अगर आप लगातार करते तो कुछ ही समय में आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां है दूर होगी, मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वो भी पूर्ण होगी। इससे एक चुटकी हल्दी भी मिलाकर स्नान करना चाहिए, इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है जल्दी दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए और अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसके बाद शुद्ध पानी लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर एक चुटकी भर चारों घर दिशाओं में घर में आप हर कोने में इसका छिड़काव करें। ऐसा अगर आप हर गुरुवार के दिन करते हैं, हर रोज करते हैं, तो आपको बहुत ही शुभ और अच्छे परिणाम मिलेंगे और माँ लक्ष्मी कृपा आपको हासिल हो सकती है। दोस्तों, हल्दी का डिब्बा तो आपके किचन में होगा ही, हल्दी का डिब्बा अक्सर आप अपने घर में रखते हैं। अगर पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, पैसों की कमी बनी हुई है, तो हल्दी का जो डिब्बा होता है, पहली बात तो कभी भी हल्दी के डिब्बे को खाली नहीं रखनी चाहिए, सदैव आधे से ऊपर ही रखना चाहिए। और इस हल्दी के डिब्बे में 5-6 साबुत लाल मिर्च डाल दें तो इससे घर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी कृपा बरसती है। दोस्तों, अगर आप चाहते कि माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो आपके घर में, माता लक्ष्मी जी आपको करोड़पति बना दें, लखपति बना दें और आप जल्द से जल्द धनवान हो जाएं, तो हल्दी के डब्बे में आप 2 लौंग 2 इलायची जरूर डाल दें, इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बरसेगी। ये फिर आप 1 रुपए का सिक्का अगर आपके घर में है तो हल्दी के डिब्बे में 1 रुपए का सिक्का डाल दें,
इससे धन खींचे चलाएगा, माता लक्ष्मी खींची चली आएंगी। माँ लक्ष्मी कृपा से धन वैभव और यानी कि रुपए पैसों की बरसात सी हो जाएगी। हल्दी के डब्बे में आप थोड़ी सी साबुत धनिया डाल दें। धनिया डालने से हल्दी के डब्बे में आपके घर में रुपए पैसों की कमी महसूस नहीं होगी और आपका घर भर जाएगा पैसों से, माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी। तो इस प्रकार से ये उपाय जरूर करें, बहुत ही कारगर और बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों को यानी कि शेयर जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।